क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ए बॉडी है जिसका मास m है, हैंग फ्रॉम ए स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग से हैंग है और ऑसिलेट करती है, जिसका टाइम पीरियड ऑलरेडी 2 पाई मेंशन है, ए बॉल इज रिमूव्ड, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग डिक्रीज। ऑब्वियसली देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से अगर मैं एक मास अटैच करके इसको ऑसिलेशन करा दूं तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि इस टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 2 पाई, इसको देखो यहां से 2 पाई एम अपन के, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम, ये वाली चीज। अब ये वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यार 2 पाई, दिस इज ऑलरेडी 2 पाई इक्वल है। अब द बॉल रिमूव, जो दूसरा कंडीशन है इस क्वेश्चन का, जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा बाद में, पहले फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व करो। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो मास दिया हुआ 5 kg यार, तो यहां से मैं 4 पाई स्क्वायर और यहां से 4 पाई स्क्वायर और मास 5 और कांस्टेंट के, ये 4 पाई ने 4 पाई को काट दिया यार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 5 इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा, न्यूटन मीटर। अब देखो यहां से अब मैं इस मास को हटाऊंगा, जैसे ही मैं इस मास को हटाऊंगा, समझने की कोशिश करना, जैसे ही मास को हटाऊंगा तो स्प्रिंग ऊपर चली जाएगी, जितना लेंथ इंक्रीज हुआ था उतना लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि लेंथ कितना डिक्रीज होगा, तो लेंथ कितना डिक्रीज होगा बात मुझे कैसे पता चलेगा। अभी देखो लेंथ इंक्रीज कितना हुआ था, ये तो देख लो इस मास को लगाने से लेंथ इंक्रीज कितना हुआ था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो, तो इक्विलिब्रियम इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंशन करो, तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर और नीचे गई ग्रेविटी mg, तो mg ने किसको बैलेंस कर लिया यार, mg ने स्प्रिंग फोर्स kx को बैलेंस कर लिया, x क्या है स्प्रिंग में इलोंगेशन, तो कितनी इलोंगेट हुई थी mg अपॉन k, मास कितना है 5, k की वैल्यू 5 और g की वैल्यू g ही रहने दो, तो x इक्वल टू g मीटर, तो 10 मीटर के आसपास स्प्रिंग लेंथ इलोंगेट हुआ था। अगर आप वापस इसको हटाओगे तो 10 मीटर अपने नेचुरल पोजीशन में चली जाएगी, दैट इज डी ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो ये एक बहुत ही